नमस्कार गाइज, तो स्वागत करता हूँ फिर से आपका के नए ब्लॉग में। तो गाइज, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति कैसी होती है, कैसे मनाते हैं उसको, तो मैं आपको आज के पूरे ब्लॉग में बताऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग में हमारे यहाँ क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ धूप के लिए, जो देवते को धूप चढ़ता है अब उसके लिए जा रहा हूँ मैं। तो इस पेड़ की जो पत्तियाँ हैं इसका धूप चढ़ेगा आज देवते को और अग्निदेव को। एक बार धूप निकाल लूँ क्योंकि यहाँ बर्फ़ है तो मिट्टी भी थोड़ी चिकनी है, तो फिसलन यहाँ ज़्यादा होगी। सेफ्टी पहले निकाल लेता हूँ एक बार। तो गाइस, ये रहा आज का धूप। तो ये धूप चलेगा 7 दिन। तो 7 दिन के लिए एक एक टहनियाँ लानी पड़ती है और 7 दिन सुबह सुबह ये अग्निदेव को चढ़ानी पड़ती है। तो जो आज का धूप है वो भी इसका ही होगा। तो अभी मैं मंदिर में गया था तो थोड़ा भोग चढ़ा के आया हूँ प्रभु जी को। तो बाकी अब चलते हैं घर को। ओए 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 ओए, अच्छा गांव जा रहा हूँ, गांव में थोड़ा बड़ों का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। तो आज का ऐसा सीन होता है कि आज जो बड़े घर के बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको जो जौ की रूप दी जाती है उनको, और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो हम जा रहे हैं उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए गांव में। तो गांव में नाना जी है, नाना जी को हम जूब देंगे, लोकल लैंग्वेज में जूब बोलते हैं। तो हम वो देने जा रहे हैं नाना जी को। ये है अपने नाना जी। चल बंदे। तो गाइस, बल्ले मिल गया मेरे को। तो गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। ज़्यादा आज कुछ हो नहीं पाया क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, पूरा दिन कमरे में ही रहे। तो ठीक है, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं हम कल दूसरे ब्लॉग में।